हेलो शॉन, तुम बर्गर लेकर सीधे घर चले जाना, क्योंकि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। बुल्ली उसे बनवा रहा है, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन बर्गर फ्रीज में मत रखना, वरना सब ठंडे हो जाएंगे। तुम्हें अपना खाना हो तो खा लेना, मेरा और बुल्ली का छोड़ देना। शॉन बोला, हाँ ठीक है गुल्ली, मैं बर्गर लेकर घर जा रहा हूँ, लेकिन ज्यादा देर मत करना, वरना एक भी बर्गर बचेगा नहीं। तुम्हें पता है ना कि शॉन कितना बड़ा चटोरा है, बर्गर मेरे सामने रहेंगे तो मैं अपने आप को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा, समझ गया ना तुम। गुल्ली शॉन से बात कर ही रहा था कि तभी बुल्ली आ गया और कहने लगा, चलो गुल्ली काम हो गया है, शॉन का फोन है क्या? गुल्ली बोला, हाँ बर्गर मिल गए हैं उसे, वो घर लेकर जा रहा है। बुल्ली ने कहा, गुल्ली तुम उससे कह दो स्कूटर चलाते हुए बात मत करो, एक्सीडेंट बहुत होते हैं इससे और मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जितने जल्दी हो सके घर चले जाओ। बुल्ली ने जो कुछ भी गुल्ली से कहा, गुल्ली ने शॉन से बता दिया। लेकिन शॉन बोला, गुल्ली तुम डरो मत, मैं सालों से स्कूटर चला रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और तभी हेलो, ये क्या हुआ? शॉन का फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया, बैटरी चली गई होगी उसकी। चलो गुल्ली, शॉन के आने से पहले हमें घर पहुंचना होगा, वरना हमारे बर्गर खतरे में पड़ जाएंगे। और फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। गुल्ली बोला, मुझे लगता है बुल्ली कहीं शॉन ने अपना फोन तो नहीं गिरा दिया। बुल्ली ने कहा, हाँ हो सकता है गुल्ली, गाड़ी चलाते हुए बात करोगे तो ये तो होगा ही, मैंने मना तो किया था उसे। और इस तरह बातें करते हुए गुल्ली बुल्ली अपनी जीप लेकर वहां से चले गए। और इधर घंटों तक शॉन वहीं बेहोश पड़ा रहा और रात हो गई। और कुछ देर बाद जब बारिश की ठंडी बूंदें शॉन पर गिरी, तब शॉन को होश आया और उसने चारों तरफ देखना शुरू किया कि वो तेज बारिश में कहां फंस गया है। तब शॉन को याद आया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो तो दिन में हुआ था और अब रात हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पड़े हुए कई घंटे हो चुके हैं। शॉन उठकर खड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसके पैर में तेज दर्द हो रहा है, उसे पैर में चोट लगी है, उसे किसी को मदद के लिए बुलाना होगा। लेकिन यहाँ आसपास तो कोई नहीं है, अगर शॉन को गुल्ली और बुल्ली की मदद चाहिए तो उसे अपना फ़ोन ढूंढना होगा। और शॉन अपना फ़ोन ढूंढने निकल पड़ा। अरे बाप रे, यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई हैं, यहाँ मुझे फ़ोन मिलेगा कैसे? चारों तरफ तो जंगल है, पता नहीं मेरा फ़ोन हाथ से छूट कर कहाँ चला गया। काश मैंने गुल्ली की बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता। लगता है आज की रात मुझे इस जंगल में गुजारनी होगी, वो भी अकेले। गुल्ली बुल्ली भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। और अपना ये स्कूटर भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, अब मैं घर कैसे जाऊँगा? अरे रुको रुको, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, रुक जाओ, मेरी मदद करो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे घर तक छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, रुक जाओ। अरे यार, कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, और हम हर वक्त दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। आज मुझे पता चला है कि ये दुनिया कितनी मतलबी है, अब मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा, बस बैठकर इंतज़ार करूंगा। मुझे यकीन है कि गुल्ली बुल्ली मुझे ढूंढने ज़रूर आएंगे, और ये सब इस मनहूस गाड़ी की वजह से हुआ है। अगर ये यहाँ पर नहीं होती तो इस वक्त मैं घर पर बर्गर खाकर गेम खेल रहा होता। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो होना था वो तो अब हो चुका, और अब मैं और ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। मैं तो ऐसे डर रहा हूँ जैसे मेरे आसपास कोई डरावनी चीज़ मौजूद हो। अरे ये क्या है, ये तो किसी इंसान का सड़ा हुआ हाथ है, कोई गाड़ी के नीचे दबकर मर चुका है। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, लगता है यहाँ पर इससे पहले भी भयानक एक्सीडेंट हो चुके हैं। अच्छा हुआ मेरी जान बच गई, अब मैं गाड़ी चलाते हुए कभी फ़ोन पर बात नहीं करूँगा। लेकिन अब बारिश की वजह से मुझे ठंड लगने लगी है, और अब मैं और नहीं चल सकता, मेरा दर्द भी बढ़ता जा रहा है, मुझे आराम की ज़रूरत है। लेकिन इस बारिश की वजह से मैं कहीं सुकून से बैठ भी नहीं सकता, मुझे सर छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए, वो भी जल्दी, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। वो सामने क्या है, इतना बड़ा घर लगता है कोई हवेली है, अगर यहाँ कोई रहता होगा तो वो ज़रूर मेरी बात गुल्ली बुल्ली से करवा देगा। यहाँ खड़े रहकर टाइम खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नीचे जाकर देखना होगा, अगर यहाँ भी किसी ने मेरी मदद नहीं की तो शायद आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। और जब गुल्ली बुल्ली मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आएंगे तो उन्हें सिर्फ मेरी लाश मिलेगी और कुछ नहीं। ये जगह कितनी अजीब लग रही है, लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं है, चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और कूड़ा कबाड़ फैला हुआ है, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जगह सालों से वीरान पड़ी हुई है। ये आवाज़ कैसी थी? अरे ये तो बिल्ली है, इसने मुझे डरा दिया। ए काली बिल्ली, आओ मेरे पास आओ, तुम्हें पता है ना कि शॉन जानवरों से कितना प्यार करता है। अरे तुम तो डर कर भाग गई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, इस वक्त मेरे पास कोई खाना नहीं है, वरना मैं तुम्हें दे देता। अरे मेरे बर्गर,
मेरे बर्गर का बैग भी खो गया। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास बर्गर भी थे, लेकिन वो जहाँ भी पड़े होंगे भीग कर खराब हो चुके होंगे। अब उन्हें ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। चलो पहले जिस काम के लिए आया था उसे पूरा कर लूँ पहले। लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। आज मुझे पता चला है कि छोटी सी लापरवाही से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब मैं रोने के अलावा कर भी क्या सकता हूँ। अरे ये क्या हुआ, गेट खुल गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? मैं अंदर आ रहा हूँ। ये क्या है, ये तो कोई वीरान पुरानी हवेली लग रही है। इसे देखकर तो लगता ही नहीं है कि यहाँ सालों से कोई रहता भी होगा। अगर यहाँ कोई रहता ही नहीं है तो फिर आखिर ये गेट किसने खोला? देखो अगर यहाँ कोई रहता है तो मेरी बात सुनो। मेरा नाम शॉन है और मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे मदद चाहिए। मुझे डराओ मत, बारिश बंद होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, अगर तुम नहीं बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं। वैसे भी बस मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे लगा था कि यहाँ कोई मेरी मदद करेगा, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। कितनी डरावनी जगह है ये। बस कोई भूत ना मिल जाए मुझे, वरना मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने गेट खुला छोड़ दिया है। अगर कोई भूत मिल गया मुझे तो मैं फ़ौरन यहाँ से भाग जाऊँगा। लेकिन लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही डर रहा हूँ। मुझे अपने डर पर काबू रखना होगा, क्योंकि मेरे पास इस हवेली में रुकने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। जो भी हो, लेकिन मुझे बारिश से बचने की जगह तो मिल गई। क्या बात है, लगता है किसी ने पहले से ही मेरे लिए बैठने और आग जलाने का पूरा इंतज़ाम कर रखा है। छोटा लाइटर तो मेरे पास पहले से ही है। चलो सबसे पहले मैं आग जला लेता हूँ। और ये लो, जल गई मेरी आग। बस अब गरम गरम चाय का इंतज़ाम भी हो जाए तो मज़ा आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, बारिश से बचने का इंतज़ाम तो हो गया। ये कैसी आवाज़ है? कौन है वहाँ पे? तुम जो भी हो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, समझ गया तुम? शॉन ऊपर से दिखाना नहीं चाहता, लेकिन अंदर से वो बेहद डरा हुआ है। काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि शॉन दिन में 3:30 बजे घर से बर्गर लेने के लिए निकला था, लेकिन अब रात के 8 बज चुके हैं और शॉन अब तक वापस नहीं आया है। शॉन का फोन भी स्विच ऑफ है और किसी को नहीं पता शॉन कहां चला गया है। गुल्ली और बुल्ली भी बर्गर शॉर्ट जाकर वापस आ चुके हैं, लेकिन शॉन वहाँ गया ही नहीं था। बुल्ली गुल्ली को यही समझा रहा है कि तुमने शॉन को जहाँ भेजा था गुल्ली, शॉन वहाँ गया ही नहीं था, बल्कि वो कहीं और से बर्गर लेने चला गया होगा। अब हम उसे पूरे शहर में कहाँ ढूंढेंगे, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तभी गुल्ली को कुछ याद आया। रुको, मैं समझ गया शॉन कहाँ गया होगा। बिग बर्गर, अरे वही जो 3 बर्गर लेने पर 1 कोला फ्री देते हैं। शॉन फ्री की कोई चीज़ छोड़ता नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है बुल्ली कि बिग बर्गर वाले अपना स्टोर चलाने के लिए नई नई स्कीम निकालते रहते हैं, क्योंकि उनका स्टोर पुरानी हवेली जाने वाले रास्ते की तरफ पड़ता है। इस वजह से बहुत कम लोग ही उधर जाते हैं। ज़्यादातर लोग बर्गर शॉर्ट जाना पसंद करते हैं। शॉन मुफ्त में कोला पाने के चक्कर में उधर ही गया होगा और वहीं उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। बुल्ली बोला, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि शॉन का एक्सीडेंट हुआ है। हवेली के आसपास कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, शॉन भी ये बात जानता था, और उसके बाद भी फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाओगे तो ये तो होगा ही। हाँ तुम सही कह रहे हो बुल्ली, अब मुझे भी यही लग रहा है। तुम यहीं रुको बुल्ली, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। अगर शॉन आ जाए या फिर उसकी कोई खबर मिले तो मुझे कॉल करना, फोन है मेरे पास। ये कहकर बुल्ली वहाँ से जाने लगा। गुल्ली ने कहा, ठीक है गुल्ली, लेकिन हवेली के अंदर मत जाना। अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो बता देना मुझे। मुझे नहीं लगता गुल्ली कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। शॉन मुझे कहीं रोड के किनारे पड़ा हुआ मिलेगा, मैं जाकर देखता हूँ फिर बताता हूँ तुम्हें।
और उसके बाद गुल्ली गाड़ी लेकर वहां से चला गया। गुल्ली अकेले ही रात के इस अंधेरे में भीगते हुए शॉन को ढूंढने निकल गया। उसे लग रहा है कि वो शॉन को आसानी से ढूंढ लेगा, लेकिन गुल्ली को क्या पता कि उसने शॉन को ढूंढने में बहुत देर कर दी है। गुल्ली गाड़ी चलाते हुए रोड के दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखता रहता है कि शायद उसे शॉन या अपना रेड कलर का स्कूटर कहीं दिखाई दे जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। गुल्ली की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। अब गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शॉन आखिर कहां चला गया है। उसे उम्मीद थी कि वो पुरानी हवेली के आसपास ही कहीं मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुल्ली शॉन को ढूंढते ढूंढते पुरानी हवेली तक पहुंच गया, लेकिन शॉन का कुछ अता पता नहीं है। कहीं किसी ने शॉन को अकेला देखकर किडनैप तो नहीं कर लिया है। गुल्ली ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र रोड के किनारे पड़े हुए एक स्कूटर पर पड़ी जो कि लाल कलर का था। गुल्ली ने फौरन गाड़ी रोकी और उसे देखने लगा, और कुछ ही देर में गुल्ली अपना स्कूटर पहचान गया। अरे ये तो अपना स्कूटर है। गुल्ली ने सही कहा था कि शॉन का एक्सीडेंट हुआ है। पूरा स्कूटर तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन शॉन कहाँ है? गुल्ली शॉन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने गुल्ली को आवाज़ दी। गुल्ली ने फौरन पलट कर देखा तो सामने एक मोटा ताज़ा आदमी खड़ा हुआ था जो गुल्ली को अपने पास बुला रहा था। गुल्ली को लगा कि शायद ये आदमी शॉन के बारे में कुछ जानता होगा, इसलिए गुल्ली उस आदमी के पास जाने लगा। पास जाते हुए गुल्ली ने कहा, क्या हुआ पहलवान अंकल, आप इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानते हैं क्या? तमीज से बात करना मुझसे, कद्दू पहलवान नाम है मेरा, हड्डियाँ तोड़ डालूंगा मैं तुम्हारी। लेकिन मैंने बदतमीजी क्या की है जो आप मेरी हड्डियाँ तोड़ डालोगे? तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है मोटू, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ इसलिए ऐसा बोल दिया। चलो अब इस गाड़ी को किनारे लगवाने में मेरी मदद करो, इस गाड़ी की वजह से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। वक्त रहते मैं संभल गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। चलो अब काम पर लग जाओ, वरना हड्डियाँ तोड़ डालूंगा मैं तुम्हारी। और फिर कद्दू पहलवान गुल्ली के साथ मिलकर गाड़ी हटाने लगा, लेकिन गाड़ी मिट्टी में धंस चुकी है, इसलिए कद्दू पहलवान अकेले इस गाड़ी को नहीं हटा सकता, इसीलिए उसे गुल्ली की मदद लेनी पड़ी। और आखिर दोनों ने मिलकर गाड़ी को किनारे लगा दिया। पहले तो कद्दू पहलवान गुल्ली को एक छोटा मोटा बच्चा समझ रहा था, लेकिन जब गुल्ली ने कद्दू पहलवान के साथ मिलकर गाड़ी को उठाया तब कद्दू की समझ में आया कि गुल्ली भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बच्चा है। कद्दू पहलवान ने गुल्ली से कहा, तुमने मेरी मदद की है, अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गुल्ली ने कहा, वो देखो सामने वो रहा मेरा स्कूटर जो एक्सीडेंट के बाद टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, उसे मेरा दोस्त शॉन चला रहा था। स्कूटर तो मुझे मिल गया है, लेकिन मेरा दोस्त का कुछ अता पता नहीं है। अगर आप चाहो तो उसे ढूंढने में आप मेरी मदद कर सकते हो। कद्दू पहलवान ने कहा, ठीक है चलो उसे ढूंढना शुरू करते हैं, बताओ कहाँ ढूंढना है उसे? गुल्ली बोला, चलो पहले हम स्कूटर के आसपास ढूंढते हैं उसे, और अगर वो यहाँ नहीं मिला तो फिर हमें हवेली की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन हम हवेली के अंदर नहीं जाएंगे, बस आसपास देखकर वापस चले आएंगे, क्योंकि गुल्ली ने मुझे अंदर जाने से मना किया था कि हवेली के अंदर मत जाना, वहाँ भूत भी हो सकते हैं। भूत? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं हड्डियाँ तोड़ डालूंगा तुम्हारी, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, समझ में आया तुम्हारे? चलो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ हवेली के अंदर, देखता हूँ कौन सा भूत मिलता है मुझे। गुल्ली ने कहा, हाँ मुझे भी पहले ये सब झूठ लगता था, लेकिन जब मैंने खुद इन्हें अपनी आंखों से देखा तब मुझे समझ में आया कि भूत होते हैं। चलिए कद्दू अंकल, मैं इस तरफ शॉन को ढूंढता हूँ और आप रोड के उस तरफ शॉन को ढूंढिए। लेकिन कद्दू अंकल ने शॉन को ढूंढने से मना कर दिया। गुल्ली बोला, अभी तो आपने कहा था कि आप शॉन को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे और आप मना कर दिया। नहीं मैंने मना नहीं किया है, मैं शॉन को ढूंढूंगा, लेकिन यहाँ नहीं हवेली के अंदर। गुल्ली बोला, हम हवेली बाद में जाएंगे, पहले यहाँ तो ढूंढ लें। कद्दू पहलवान ने कहा, मैं यहाँ काफ़ी देर से रुका हुआ हूँ, यहाँ कोई नहीं है मोटू, अगर यहाँ कोई होता तो वो ज़रूर मदद के लिए आवाज़ लगाता, लेकिन मुझे तो किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तुम्हारा दोस्त शॉन बारिश से बचने के लिए हवेली में चला गया होगा, अब चलो जल्दी वरना हड्डियाँ तोड़ डालूंगा तुम्हारी। और उसके बाद गुल्ली कद्दू पहलवान की बात मानते हुए हवेली में जाने को तैयार हो गया। गुल्ली को अब ऐसा लगने लगा है कि शायद अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक मोटा ताज़ा पहलवान है। शॉन को ढूंढते हुए दोनों हवेली तक पहुंच गए। गुल्ली और पहलवान ने गेट की तरफ देखा, हवेली का गेट बंद था। गुल्ली ने कहा, कद्दू अंकल शॉन अंदर नहीं गया है, अगर शॉन अंदर गया होता तो गेट खुला होता, हमें शॉन को कहीं और ढूंढना होगा। कद्दू पहलवान ने कहा, नहीं मोटू मैं तो हवेली के अंदर जाऊँगा और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हारे दिमाग से ये भूत प्रेत की बात निकालना चाहता हूँ, और ये भी हो सकता है कि शॉन अंदर चला गया हो और उसने गेट बंद कर लिया हो, और अगर शॉन हमें अंदर नहीं मिलता तो फिर हम कहीं और चलकर उसे ढूंढेंगे। गुल्ली बोला, ठीक है लेकिन हम अंदर जाएंगे कैसे, गेट तो बंद है। तुम उसकी फिक्र मत करो मोटू, तुम्हें हवेली के अंदर ले जाना मेरा काम है। मुझे मोटू मत कहा करो अंकल, मेरा नाम गुल्ली है। ठीक है गुल्ली, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर कद्दू पहलवान ने एक लंबी दौड़ लगाई और टक्कर मारकर गेट को तोड़ दिया।
तभी गुल्ली भागता हुआ आया और कहने लगा, अंकल हवेली के अंदर जाने से पहले एक बार फिर सोच लो। लेकिन कद्दू पहलवान नहीं माना और फिर दोनों हवेली के अंदर जाने लगे। शायद गुल्ली ये भूल गया है कि गुल्ली ने उसे हवेली के अंदर जाने से मना किया था। कद्दू पहलवान के साथ गुल्ली भी हवेली के काफी अंदर तक आ गया और तभी उसे सामने जलती हुई आग दिखाई दी और गुल्ली वहीं रुक गया और कहने लगा, अंकल ये आग यहाँ कैसे जल रही है? ये तो वीरान हवेली है, लगता है हमारे आने से पहले यहाँ कोई आया था या फिर ये भूतों का काम है। ये किसी भूत का काम नहीं है गुल्ली, ये आग किसी इंसान ने जलाई है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या हुआ? लगता है कोई चीज गिरी है या फिर कोई ऊपर से नीचे कूदा है, ये आवाज यहीं से आई है, लगता है नीचे बेसमेंट बना हुआ है। कद्दू बोला, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, नीचे तहखाना बना हुआ है, चलो चलकर देखते हैं। और दोनों तहखाने की तरफ आगे बढ़ गए। नीचे उतरने से पहले गुल्ली अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करता है और बेसमेंट में जाने लगता है और तभी कद्दू पहलवान का सामना चुड़ैल से हो जाता है। चुड़ैल को देखते ही गुल्ली हवेली से बाहर भागता है, उसे कोई हथियार चाहिए वो भी जल्दी। जब उसे कुछ और नहीं मिलता तो वो हवेली के बाहर रखा हुआ ड्रम उठा लेता है। इस ड्रम को वो चुड़ैल के ऊपर मारकर कद्दू पहलवान को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही गुल्ली नीचे आता है चुड़ैल कद्दू पहलवान को लेकर जा चुकी होती है। इसका मतलब चुड़ैल सबको मारकर बेसमेंट में ले जाती है, शॉन भी अंदर ही होगा, लेकिन अकेले अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी गुल्ली डरते हुए चुड़ैल के पीछे पीछे बेसमेंट में जाने लगता है। बेसमेंट के अंदर आते ही गुल्ली को पता चलता है ये तो कोई सुरंग है और अब गुल्ली को घबराहट होने लगी है। अगर चुड़ैल ने गुल्ली को देख लिया तो अगला नंबर उसका होगा। गुल्ली जब और आगे जाता है तो उसे अजीब सी बदबू आने लगती है, जैसे कोई जानवर मरकर सड़ गया हो, लेकिन ये बदबू जानवर की नहीं बल्कि इंसान की सड़ रही लाशों की है। गुल्ली के सामने ही जमीन पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसे चुड़ैल ने नोच काट कर मार डाला था। और गुल्ली ने जब आगे देखा तो वहाँ भी एक और डेड बॉडी ड्रम पे रखी हुई थी। गुल्ली समझ गया कि चुड़ैल ने जब इतने सारे लोगों को यहाँ लाकर मार डाला है तो अब शॉन भी जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन कद्दू पहलवान को बचाया जा सकता है, मगर गुल्ली को ये काम जल्दी करना होगा वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ अंधेरा बहुत ज्यादा है। गुल्ली ने फ्लैश लाइट चालू की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे गुल्ली आगे बढ़ते जा रहा था उसे एक के बाद एक डेड बॉडीज मिलती जा रही थी। गुल्ली को लग रहा था कि शायद अब उसे शॉन की डेड बॉडी भी इधर उधर कहीं पड़ी हुई दिखाई देगी, लेकिन तभी उसे कुछ हिलता डुलता हुआ दिखाई दिया। गुल्ली फौरन ड्रम के पीछे छुप गया। गुल्ली ने हिम्मत करते हुए धीरे से सामने लाइट मारी तो उसने देखा कि वहाँ कोई है जो ड्रम के ऊपर लेटा हुआ है। उसके हाथ पैरों में खून भरा हुआ है और वो जिंदा है। शायद उसे चुड़ैल ने काटा है और वो ज़ॉम्बी बन चुका है। आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अब जो भी हो जाए गुल्ली शॉन को ढूंढे बिना यहाँ से वापस नहीं जाएगा। गुल्ली धीरे धीरे ज़ॉम्बी के पास से होते हुए आगे निकल जाता है और ज़ॉम्बी उसे कुछ नहीं करता। लेकिन ये क्या, यहाँ से आगे जाने का रास्ता ही बंद है। यहाँ तो चुड़ैल ने जेल बना रखी है और उसके अंदर भी कितनी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। लगता है कद्दू पहलवान भी यहीं कहीं पड़ा होगा। और तभी गुल्ली को कुछ जाना पहचाना दिखाई दिया। अरे ये तो शॉन लग रहा है। गुल्ली को कद्दू पहलवान तो नहीं मिला, लेकिन उसे शॉन मिल गया। ये देखकर गुल्ली खुश हो गया, लेकिन शॉन की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। गुल्ली जल्दी से गेट खोलने लगा, लेकिन गेट काफी पुराना है और उससे काफी आवाज आ रही है, कहीं गुल्ली लेने के देने ना पड़ जाए। और आखिर जैसे तैसे करके गुल्ली ने गेट खोल दिया और लॉकअप के अंदर आ गया। गुल्ली ने देखा कि शॉन के चेहरे पे खून के धब्बे लगे हुए हैं और उसकी स्किन भी बदली हुई लग रही है। लगता है गुल्ली ने यहाँ आने में देर कर दी है। ये आवाज कैसी है? लगता है चुड़ैल यहीं कहीं आसपास है या फिर यहाँ कोई आ रहा है। गुल्ली को ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। गुल्ली ने जल्दी से शॉन को उठाया और वहां से निकलने लगा। शॉन अभी जिंदा है, इसे इलाज की जरूरत है। जेल से बाहर निकलते ही ड्रम पे लेटा हुआ ज़ॉम्बी गुल्ली के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और फिर उसके पीछे लग जाता है। गुल्ली बिना डरे हुए आगे चलता रहता है, लेकिन गुल्ली को नहीं पता कि गेट की आवाज ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को जगा दिया है और अब उसकी जान खतरे में पड़ चुकी है।
गुल्ली को जब पता चला कि उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं तो उसे डर के मारे वहाँ से भागना पड़ा। अब ज़ॉम्बीज गुल्ली का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। गुल्ली को अब किसी भी तरह जल्दी से शॉन को लेकर जीप तक पहुँचना होगा, वरना ज़ॉम्बीज गुल्ली के हाथ से शॉन को छीन लेंगे और उसे भी चीर फाड़ कर रख देंगे। और आखिर गुल्ली शॉन को लेकर जीप तक पहुंच जाता है और अब उसे गाड़ी स्टार्ट करनी है और जल्दी यहां से निकल लेना है, लेकिन लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ज़ॉम्बीज काफी करीब आ चुके हैं। गुल्ली गाड़ी के पीछे से छुपकर ज़ॉम्बीज को देखता रहता है, लेकिन शायद ज़ॉम्बीज गुल्ली को नहीं देख पाए हैं, इसीलिए वो गुल्ली को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और जब गुल्ली उन्हें नहीं मिलता तो दोनों अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और इसी वजह से गुल्ली की मुसीबत बढ़ जाती है। अब वो फंस चुका है क्योंकि ज़ॉम्बीज उसके दोनों तरफ हैं, वो गाड़ी लेकर निकलेगा कैसे? गुल्ली को जल्दी कुछ करना होगा वरना वो पकड़ा जाएगा। थोड़ी देर बाद गुल्ली समझ जाता है कि वो छुपकर यहाँ से नहीं निकल सकता, उसे जोखिम उठाना पड़ेगा। गुल्ली गाड़ी में बैठता है और उसे स्टार्ट करता है और सामने वाले ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए निकल जाता है, लेकिन इस दूसरे वाले का भी काम तमाम करना पड़ेगा वरना ये पीछा करते हुए घर तक पहुँच जाएगा। गुल्ली डरा हुआ भी है क्योंकि ये वाला ज़ॉम्बी पहले वाले से ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन गुल्ली के पास इसको उड़ाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। गुल्ली ने आओ देखा ना ताओ लेकर निकल गया गाड़ी। गुल्ली जैसे ही ज़ॉम्बी के करीब पहुंचा, ज़ॉम्बी ने अपने नुकीले हाथ गुल्ली की तरफ बढ़ा दिए। गुल्ली ये देखकर हड़बड़ा गया और गाड़ी पे कंट्रोल खो बैठा और अपने आप को बचाता हुआ हवेली की तरफ जा घुसा। गुल्ली की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और जहां से वो आया था वापस वहीं जाकर फंस गया। दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली का? क्या गुल्ली शॉन को लेकर यहाँ से बाहर निकल पाएगा या फिर वो भी यहीं मर जाएगा? क्या ज़ॉम्बीज और चुड़ैल गुल्ली को खा जाएंगे या फिर दोनों को बचाने बाबा आएंगे? ये सब हम देखेंगे पार्ट 4 में। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। गुल्ली कुछ समझ पाता उससे पहले ही शॉन ने गुल्ली को पकड़ लिया। गुल्ली बोला, शॉन तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और जब शॉन ने गुल्ली को नहीं छोड़ा तो गुल्ली ने शॉन को उठाकर नीचे पटक दिया, नहीं तो ज़ॉम्बी और चुड़ैल गुल्ली को पकड़ लेते और एक बार अगर गुल्ली इनके हाथ लग गया तो गुल्ली का भी वही हाल होगा जो शॉन का हुआ है। इसलिए गुल्ली अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है और उसके पीछे पीछे चुड़ैल और ज़ॉम्बी भी जाने लगते हैं। लगता है गुल्ली का बुरा वक्त आ गया है, तभी वो अंदर की तरफ भागा है। उसे तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है और अंदर काफ़ी अंधेरा भी है। ज़ॉम्बी और चुड़ैल गुल्ली को ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, गुल्ली तो अंदर गया ही नहीं है, वो तो पुराने टायरों के अंदर छुपा हुआ था। जैसे ही ज़ॉम्बी और चुड़ैल आगे चले गए, गुल्ली फौरन वहां से निकलकर भागने लगा। गुल्ली को अब सीधे हवेली से बाहर निकल के बाबा के पास जाना होगा, वो भी जल्दी। अब ये क्या मुसीबत है, शॉन ने गुल्ली का रास्ता रोक लिया, गुल्ली यहाँ से बाहर जाएगा कैसे? और कहीं वो भूत चुड़ैल पीछे से आ गए तो गुल्ली दोनों तरफ से फंस जाएगा। गुल्ली आगे बढ़ते हुए शॉन से कहता है कि देखो शॉन, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ गुल्ली, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। लेकिन शॉन कुछ नहीं सुनता और अचानक से गुल्ली पे हमला कर देता है। गुल्ली शॉन को हटाने की कोशिश करता है और जब शॉन नहीं हटता तो गुल्ली उसे जोर से किक मारता है और शॉन उछलकर दूर जाकर गिरता है। कुछ देर बाद गुल्ली को अफसोस होता है कि ये क्या किया मैंने, कहीं शॉन उस पेड़ से टकरा जाता तो फिर क्या होता। गुल्ली शॉन की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता शॉन, लेकिन तुम मुझ पर बार बार हमला करना बंद करो, चलो उठो बाबा के पास चलते हैं। ये बात सुनते ही शॉन उठकर खड़ा हो जाता है और फिर से गुल्ली पर एक जोरदार हमला करता है
लेकिन ये क्या आपकी बार शॉन ने गुल्ली को मारने के लिए सुपर पावर का यूज किया है। ये देखकर गुल्ली घबरा गया कि शॉन के पास सुपर पावर कहां से आ गई, और देखते ही देखते शॉन ने फिर से दो बार आके गोले गुल्ली की तरफ फेंके। गुल्ली समझ गया है कि शॉन को यहां से बाहर ले जाना अब उसके बस की बात नहीं है, जल्दी उसे यहाँ बाबा को लेकर आना होगा। लेकिन गुल्ली यहाँ से बाहर निकलेगा कैसे, अब तो जोम्बी और चुड़ैल भी वापस आने लगे हैं। गुल्ली अब दोनों तरफ से फंस चुका है, एक तरफ तो जोम्बी गुल्ली के पीछे पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ शॉन। तभी गुल्ली को सामने रखा हुआ हथियार दिख जाता है और गुल्ली दौड़कर उस हथियार को उठा लेता है और दोनों को पीछे हटने के लिए कहता है, चलो पीछे हटो वरना मैं भाला मार दूंगा। लेकिन गुल्ली की बातों का इन दोनों पर कोई असर नहीं होता, दोनों गुल्ली के करीब आने लगते हैं और तभी गुल्ली भाला फेंक कर मारता है और जोम्बी वहीं ढेर हो जाता है। जोम्बी के मरते ही शॉन वहीं रुक जाता है, लेकिन शॉन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए गुल्ली अब जमीन के रास्ते नहीं बल्कि छत के रास्ते यहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन शॉन कहाँ गया, अभी तो वो यहीं था। शॉन अब गुल्ली के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है, गुल्ली जिसकी जान बचाने आया था अब वही उसकी जान के पीछे पड़ गया है। शॉन कहीं ऊपर ना जाए, गुल्ली फौरन वहाँ से भागता है। अब गुल्ली को बाहर कूदना है लेकिन कहीं शॉन उसकी ताक में ना लगा हो। कुछ देर रुकने के बाद गुल्ली हवेली से बाहर निकल जाता है। गुल्ली जैसे ही बाहर कूदकर भागता है, शॉन उसे कुत्ते की तरह दौड़ा लेता है। गुल्ली समझ जाता है कि लाल आंखों वाले जानवर ने उसे खदेड़ लिया है, इसलिए गुल्ली इतनी स्पीड से भागता है कि शॉन खुद परेशान हो जाता है कि गुल्ली कहाँ चला गया। जोम्बी बनने के बाद से शॉन का ये पहला शिकार था जो हाथ से निकल गया। शॉन की किस्मत ही खराब है, जिस काम में भी वो हाथ डालता है वो काम चौपट हो जाता है। लेकिन शॉन अभी रुकेगा नहीं, वो आगे तक जाकर देख कर आएगा कि इतने जल्दी गुल्ली कहाँ चला गया है। जोम्बी बनने के बाद अभी तक शॉन की बोनी भी नहीं हो पाई है। लेकिन ये क्या हुआ, गुल्ली पकड़ा गया। गुल्ली ने बड़ी मुश्किल से छुपकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन वो शॉन की तेज नज़रों से नहीं बच पाया। गुल्ली इधर उधर भागकर शॉन को उलझाने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से भाग सके, और जैसे ही शॉन गुल्ली के पीछे आता है गुल्ली दूसरी तरफ से निकल जाता है। सामने कद्दू पहलवान की बाइक खड़ी हुई थी, गुल्ली के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो हवेली जाकर अपनी जीप ला सके, इसलिए वो बाइक पे बैठा और फरार हो गया। शॉन बाइक की आवाज़ सुनकर भागता हुआ आता है, लेकिन जब तक गुल्ली वहाँ से जा चुका होता है और शॉन खड़ा देखता रह जाता है। गुल्ली बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर हवेली से बाहर आया है और अब उसे बाबा के पास जाना है। गुल्ली ने सोचा क्यों ना पहले घर जाकर गुल्ली को भी साथ ले ले, लेकिन घर जाकर गुल्ली को लेना और फिर बाबा के पास जाना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन गुल्ली जा कहाँ रहा है, क्योंकि बाबा का पुराना घर तो आंधी तूफान में टूट गया था और फिर बाबा पहाड़ियों पे चले गए थे। लगता है गुल्ली वहीं जा रहा है। और आखिर कुछ देर बाद गुल्ली बाबा के घर पहुंच गया। गुल्ली ने देखा गुल्ली तो पहले से ही बाबा के पास बैठा हुआ है। गुल्ली और बाबा भी गुल्ली को देखने लगे। तभी गुल्ली ने कहा, गुल्ली तुमने मुझे फ़ोन करने से मना किया था और कहा था मैं हवेली जाने के बाद फ़ोन करूंगा, और फिर तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। गुल्ली बोला, गुल्ली स्टोरी बहुत लंबी है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ज़रूरी बात तो सुन लो पहले। वो ये है कि शॉन हवेली के अंदर गया था, कैसे गया था क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो जोम्बी बन चुका है और उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। अब बाबा ही उसे बचा सकते हैं, क्योंकि अब वो हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसके पास जाने पर वो आग से हमला कर रहा है, पता नहीं उसके पास सुपर पावर कहाँ से आ गई। ये सुनकर गुल्ली ने कहा, बाबा अब शॉन ठीक कैसे होगा और हम उसे पुरानी हवेली से बाहर कैसे निकालेंगे, वो हम लोगों के ऊपर भी आग से हमला करेगा। बाबा ने कहा, तुम लोग घबराओ मत, चलो मुझे उस जगह लेकर चलो, शॉन को हवेली से बाहर निकालने का काम मेरा है। और फिर गुल्ली गुल्ली की बाइक पर बैठ गया और बाबा ने अपनी बाइक निकाल ली और फिर तीनों शॉन को बचाने के लिए पुरानी हवेली की तरफ चल दिए। आसमान में बिजलियाँ अभी भी चमक रही हैं, लेकिन बारिश अब धीमी हो चुकी है। और आखिर कुछ देर बाद गुल्ली गुल्ली और बाबा पुरानी हवेली पहुंच जाते हैं। गुल्ली बाबा से बाइक रोकने को कहता है और बताता है कि हमें नीचे पैदल जाना होगा, हम बाइक से नीचे नहीं जा पाएंगे। गुल्ली गुल्ली बाइक से उतर के बाबा के पास आते हैं, लेकिन बाबा बाइक लेकर आगे बढ़ जाते हैं और उलझुल हरकतें करते हुए हवेली के अंदर पहुँच जाते हैं। बाबा अभी बाइक से नीचे भी नहीं उतरे थे कि उनके सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो गई और बाबा के सामने नाचना शुरू कर दिया। बाबा को भी इसमें मज़ा आने लगा। तभी चुड़ैल ने आग से हमला कर दिया, लेकिन बाबा ने उस हमले को अपनी जादुई शक्तियों से रोक दिया और शुरू हो गया बाबा का एक्सट्रीम मोड। और अब चुड़ैल की खैर नहीं, बाबा बाइक से नीचे उतरे और शुरू हो गई चुड़ैल की सुताई।
चुड़ैल को ढेर करने के बाद बाबा के सामने एक और मुसीबत आकर खड़ी हो गई। बाबा को देखते ही शॉन ने आग से हमला करना शुरू कर दिया। शॉन बार बार हमला करता रहा, लेकिन बाबा पे इसका कोई असर नहीं हुआ। बाबा ने शॉन के सारे हमले बेकार कर दिए। शॉन ने जब देखा कि उसकी जादुई शक्तियां बाबा पे काम नहीं कर रही हैं, तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। बाबा भी शॉन के पीछे भागे, लेकिन तभी चुड़ैल उठकर खड़ी हो गई और बाबा की बेइज्जती करते हुए नाचने लगी और देखते ही देखते हवा में उड़ गई। चुड़ैल को लगा कि बाबा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन चुड़ैल को नहीं पता कि उसने दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो बाबा लंगोटी लाल से पंगा ले लिया है और अब उसका बचना नामुमकिन है। बाबा ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और हवा में उड़ गए। चुड़ैल ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा ने उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन चुड़ैल हार मानने को तैयार नहीं है। इधर बाबा ने भी स्पीयर लगाने की तैयारी कर ली है। जैसे ही चुड़ैल उठकर खड़ी हुई, बाबा ने स्पीयर मार दिया। और अब बाबा इसे कैद करके अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ, चुड़ैल फिर से उठकर खड़ी हो गई। ये तो किसी भी तरह हार मानने को तैयार नहीं है और उसने फिर से बाबा पे हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार बाबा ने उसे जला दिया और इस तरह चुड़ैल का खेल खत्म हो गया। और अब ये चुड़ैल किसी को परेशान नहीं करेगी। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शॉन को पकड़ना बाकी है। गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा हम शॉन को पकड़ेंगे कैसे, वो भी उसे बिना नुकसान पहुंचाए। शॉन उस तरफ झाड़ियों के बीच कहीं छुपा हुआ है और फिर गुल्ली बुल्ली बाबा के साथ उसे ढूंढने लगे। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन को ढूंढ रहे होते हैं और उधर शॉन भी इन लोगों को छुपकर देख रहा होता है। तभी गुल्ली शॉन को देख लेता है और बाबा से बता देता है। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं जाओ जल्दी पकड़ो उसे, कहीं वो भाग ना जाए। इधर गुल्ली बुल्ली उसे पकड़ने जाते हैं और उधर शॉन आगे से भागता हुआ बाबा से टकरा जाता है और फिर शॉन का भूत उतरने में टाइम नहीं लगता। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं ये बेहोश हो गया है, इसका ध्यान रखना, मैं अभी बाइक लेकर आता हूँ। और इधर गुल्ली बुल्ली परेशान है कि शॉन को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तभी गुल्ली कहता है मैं भी जाकर जीप ले आता हूँ और फिर वो भागते हुए हवेली की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद बाबा बाइक लेकर आते हैं और कहते हैं गुल्ली जीप लेकर आ रहा है, बुल्ली तुम लोग शॉन को लेकर घर आ जाना, लेकिन जल्दी, कहीं शॉन को होश ना आ जाए, मैं जा रहा हूँ। और फिर बाबा वहाँ से चले गए और थोड़ी ही देर में गुल्ली भी जीप लेकर आ गया। गुल्ली बोला शॉन को जल्दी लेकर आ बुल्ली, अगर ये होश में आ गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और फिर जल्दी से बुल्ली ने शॉन को उठाकर गाड़ी में डाला और फिर दोनों वहाँ से चले गए और इस तरह इनकी मुसीबतें भी खत्म हो गई। तो दोस्तों, अगर आप गुल्ली बुल्ली और शॉन की और नई स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।